भेड़ाघाट के ग्राम देवरी में रहने वाले ठाकुर समाज की युवती और राय समाज के युवक घर से भाग गए थे। 14 सितंबर 2020 के इस मामले में ठाकुर समाज के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में 5 लोगों को बेल मिल चुकी है और मुख्य आरोपी लड़का अभी जेल में है। इसी बात का बदला लेने की नीयत से बेल पर छूटे राय समाज के 6 युवक ठाकुर समाज की बस्ती में घुस गए और तलवार और चाकू लेकर उन्होंने काफी हंगामा मचाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। इस विवाद में ठाकुर समाज के 6 लोग घायल हुए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी पक्ष उन पर राजीनामा करने दबाव बना रहा है। उनके इनकार करने पर राय समाज के लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में लल्ला राय, पप्पू राय, राहुल राय, दीपचंद राय और मुन्नी लाल राय, फग्गू लाल राय, दस्सू लाल राय मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। जांच के बाद ही विधिवत कार्यवाही की जाएगी। ये 14/9/2020 का मामला था, लड़का और लड़की वाला। हम लोग जो है वो ठाकुर समाज के हैं और लड़का जो है वो राय समाज का था। तो दोनों का घर से भग जाने का कारण में हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें 6 लोग मुख्य आरोपी थे, जिसमें 5 लोगों की हाईकोर्ट बेल हो चुकी है और लड़का जो है वो जेल में है। उस पुरानी रंजिश को चलते हुए कल 26/3/2021 को रात्रि 9 बजे करीब इन लोगों ने, राय समाज वाले जो लड़के हैं जो जमानत पर आए हुए हैं, ये 4-5 लोगों ने स्थिति भी ऐसी बनाई कि गाली गुप्तार से इन लोगों ने हम लोगों को उकसाया और हमारे परिवार की लेडीज़ों को उकसाया, हमारे छोटे छोटे 14 साल के बच्चों को मारा बेवजह से। उस स्थिति में महिलाओं का वाद विवाद में स्थिति हुई। स्थिति को संभालने के लिए, आपसी समझौता बनाने के लिए कि उस समय झगड़ा ना हो, झगड़ा की स्थिति को ख़त्म करते हुए दोनों पक्षों में रात्रि 9:30 बजे करीब विवाद हो गया और उनके तरफ से तलवारों से, बल्लमों से और राडों से और गुप्तियों से हमारे परिवार के ऊपर 6 लोगों को हमलावरों ने घायल कर दिया। और जिस समय ये घटना हुई है उस समय में सारे लोगों के दरवाजे रात्रि 9 बजे बंद हो चुके थे और 7 आरोपी जो हैं अभी तलवारा थाना में पुलिस की हिरासत में हैं। जो झगड़े की वजह है, जो घायल हुए वो कौन लोग हैं? जो झगड़े की वजह है, वो लड़का लड़की वाला मैटर है। वो आए दिन हम लोगों को राजीनामा के लिए प्रेरित करते रहे। हम लोगों ने राजीनामा के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। उस रंजिश को चलते हुए इन लोगों ने हम लोगों के परिवार के ऊपर हमला किया। कितने लोग घायल? हमारे परिवार से 4 लोग, 6 लोग घायल हैं और 1 व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। उनका नाम मदन सिंह ठाकुर है। जो घायल हैं वो टावल सिंह ठाकुर हैं, मेहरवान सिंह ठाकुर हैं और भीकम सिंह ठाकुर हैं और निरंजन सिंह ठाकुर हैं, नारायण सिंह ठाकुर, उनका जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका बच्चा नारायण सिंह ठाकुर है। ये कहाँ की घटना है? ये दिवरी भेड़ाघाट, जो न्यू भेड़ाघाट के पास में 2 किलोमीटर जो दूरी है, 2 किलोमीटर गांव में, वो खुलरी दिवरी की है। खास गांव जो है दिवरी है। हमारा नाम संदीप ठाकुर। अभी 6 लोग भाई सर मारा है गेर बना के, उसमें लल्ला राय, पप्पू राय, राहुल राय, दीपचंद राय, मुन्नी लाल राय और फागुलाल राय, दस्सू राय, वो लड़की वाली था, दिवरी, खुली दिवरी, भिड़की के पास में, थाना तलवारा, नारायण सिंह ठाकुर। इस प्रकार का पूरा मामला ये ग्राम देवरी में राय और लोधी दो गुट थे, दो परिवार के लोगों के बीच में एक झगड़ा हुआ है सरकारी जमीन को लेकर के। इसमें जो राय समाज के लोगों द्वारा लोधी समाज के एक व्यक्ति की इसमें हत्या हो गई। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे पक्ष को भी चोट आई है, उनके मेडिकल अभी हो रहा है, उसके आधार पर आगे भी इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी।